व्हाट इज अप एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है किशोर और आज अपन लोग बात करते हैं वन पीस की सात सबसे घटिया एंडिंग्स के बारे में, कि वन पीस एंड कैसे हो सकता है और उसके एंडिंग्स के टाइप कितने हो सकते हैं। मेरे पास इस वक्त में 7 टाइप्स है जो कि थोड़े से अजीब लगेंगे आपको पहली बार सुनने पर एक बार जरा उस चीज़ पर फोकस करोगे तो सोचोगे कि ये भी हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। कई बार लोगों ने वन पीस की एंडिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है और मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 7 एंडिंग्स है और इस 7 एंडिंग्स में से आपको कौन सी ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ट्रू हो सकती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, लूफी डाइज। सो सबसे जो पहली एंडिंग है वो कुछ ऐसी है कि लूफी वैसे ही मर जाता है जैसे कि रॉजर मरा था, और वैसे ही उसका एग्जीक्यूशन भी होता है और लूफी भी एक लूप स्टार्ट कर देता है नया पायरेट एरे का जैसा कि रॉजर ने करा था, और वही चीज़ वापस से हो जाती है बिना लूफी के कुछ नया करे। और ये एंडिंग एक्चुअली में काफ़ी ट्रू लगती है कि लूफी की डेथ हो जाएगी इन द एंड ऑफ दिस सीरीज। नंबर 2, ब्लैकबियर्ड विंस। हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड जीत जाए वन पीस की एंड वाली फाइट में, और जो ब्लैकबियर्ड है वो एक नया पायरेट एरा शुरू कर दे जिसको बोलेंगे द डार्क एरा, जहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, सब कुछ डार्कनेस में है, सब कुछ कियोस में है। नंबर 3, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इसमें ऐसा है कि जॉय बॉय जो है वही लूफी है, यानी कि लूफी ही जॉय बॉय है। जैसे कि हमको अभी पता चला कि लूफी तो जॉय बॉय का रिकार्नेशन है ही सही, लेकिन हो सकता है कि लूफी एक्चुअल जॉय बॉय हो। इसका मतलब लूफी जब एक्चुअल में वापस चले जाएगा टाइम में 800 साल पहले, और वो मेन जॉय बॉय बनेगा जिसके पीछे सब कुछ चल रहा है, वही जॉय बॉय जिसने नोवा के शिप को बनाया, वही जॉय बॉय जिसने वन पीस के खजाने को छुपाया। लूफी वापस जा कर के फिर से जॉय बॉय बन जाए, यानी कि ये एक लूप है जहाँ पे लूफी आया, उसने डेविल फोर इनहेरिट करा खुद का ही यानी जॉय बॉय का, और फिर वो जॉय बॉय बना इस वाले टाइमलाइन में, और किसी वजह से वो वापस 800 साल पहले चला गया और वहाँ का एक्चुअल जॉय बॉय बना जिसके पास गम गम नो नोमी था, यानी कि लूफी का डेविल फ्रूट। वो एक्चुअली जॉय बॉय का डेविल फ्रूट है जो कि इस वक्त में लूफी के पास है, लेकिन वो लूफी का ही डेविल फ्रूट है क्योंकि वो लूफी ऑलरेडी टाइम में पीछे था। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। नंबर 4, हो सकता है कि वन पीस के एंड में सब कुछ मर चुके हैं, यानी सारे के सारे वन पीस के कैरेक्टर्स मर चुके हैं, क्योंकि ब्रुक इमॉर्टल है, तो वो हो सकता है बच्चों को वन पीस की कहानी सुना रहा हो और इस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज का एंड हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो भाई मैं इतना इमोशनल हो जाऊंगा कि मैं रो पड़ूंगा इस सीन पर। नंबर 5, जैसे कि मैंने बोला कि लूफी जॉय बॉय का रिकार्नेशन है, ये हमको मांगा के नए चैप्टर्स में तो पता चल ही गया है, लेकिन हो सकता है कि ये सब कुछ उसकी वो फ्रेंडशिप, उसकी उस डिटर्मिनेशन और उसकी करज से नहीं बल्कि एक डेस्टनी है। उसका पाथ ऑलरेडी किसी ने सेट करके रखा हुआ है कि यही व्यक्ति जॉय बॉय है, और ये जॉय बॉय की डेस्टनी है कि वो व्यक्ति आगे जाके कुछ बड़ा करेगा, और इस तरीके से पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। आपको तो पता ही है लॉ के पास एक स्पेशल पावर है कि वो किसी को भी इमॉर्टल बना सकता है, और हो सकता है कि वो ये पावर लूफी के ऊपर यूज़ करे और खुद भी मर जाए। लेकिन अब क्योंकि लूफी इमॉर्टल बन जाएगा, और जब लूफी इमॉर्टल बन जाएगा तो वो देखेगा कि उसके सारे फ्रेंड्स मरते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि उनके पास मॉर्टेलिटी नहीं है ब्रुक के अलावा, और वो पेन एग्नी और इन सब में अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली को मरते हुए देखता है, इस पूरे वर्ल्ड को रुइन होते हुए देखता है, कैवोश में देखता है, और इस तरीके से पूरी सीरीज एंड हो जाती है जहाँ पर वो अकेला एक स्टोन पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है उसकी लाइफ को। सैंग्स बिकम द फाइनल विलन। हो सकता है कि वन पीस के एंड्स में सैंग्स हमारा लास्ट विलन हो जिसके साथ लूफी की फाइट हो, उसके बाद वो जा करके बनेगा पायरेट किंग। हो सकता है कि जो लास्ट विलन हो, जो सब कुछ ये सब कुछ ट्राई कर रहा हो लूफी को पीछे करने की, आगे करने की, लूफी को पायरेट किंग बनाने की या नहीं बनाने की, ये सब कुछ सैंग्स का एक प्लान हो, उसका कोई अल्टरनेटिव मोटिव हो, और उसको सैंग्स को हराना होगा फाइनल बैटल में ताकि वो पायरेट किंग बन सके। और एक हॉनरेबल मेंशन जो कि इस सीरीज को एकदम नए तरीके से पूरे के पूरे उधेड़ के रख देगा, वो है टू पीस। हो सकता है वन पीस का एंड शुरू हो जहाँ पे लूफी किसी के साथ मैरिज कर ले, उनका एक सन हो, और उसके बाद एक नया एरा शुरू हो जाए वन पीस का, वन पीस नेक्स्ट जनरेशन टू पीस। ये काइंड ऑफ फनी है, बट हो भी सकता है, क्या बताएं। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।